बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको पदावली का 3 पद पढ़ाया था। मीराबाई कहती है मैंने श्री कृष्ण को मोल खरीद लिया है। कोई कहता है यह सस्ता महंगा है, कोई कहता है यह सौदा सस्ता है, कोई कहता है यह सौदा महंगा है, कोई कहता है श्री कृष्ण काले हैं, कोई कहता है श्री कृष्ण गोरे हैं। परंतु मीराबाई जी का मानना है श्री कृष्ण जैसे भी हैं यह बहुत अनमोल वस्तु है। यहाँ तक बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं पदावली का 4th पद आपको पढ़ाने चल रही हूँ। मैं तो सांवरे के रंग राजी, सांझ श्रृंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि सभी पदावली का संदर्भ एक ही रहेगा। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से मीरा सुधा सिंधु में संकलित पदावली नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसकी कवयित्री मीराबाई जी हैं, जो भक्त काल की सर्वश्रेष्ठ और श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी मानी जाती हैं। इसके बाद बच्चों आप इसका प्रसंग लिखोगे। प्रसंग में है मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब गई है। उन्हें श्री कृष्ण का ही नाम सरल प्रतीत होता है। उसके बाद बच्चों व्याख्या लिखोगे। व्याख्या में सांवरे मतलब श्री कृष्ण, राजी मतलब प्रेम करना, श्रृंगार मतलब श्रृंगार, बांध मतलब बांधना, पग मतलब पैर, तज मतलब त्यागना, नाच मतलब नृत्य, साधु मतलब सज्जन, कुमति मति मतलब बुद्धि, को उपसर्ग लगा है तो कुमत मतलब बुरी बुद्धि, जो आपके हृदय की कलुषताएं हैं, जैसे स्वार्थ अहंकार धोखा इत्यादि। मीराबाई जी आज विभोर होकर कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब गई हूँ। श्री कृष्ण के प्रेम के कारण मैं सज धज कर पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज की मर्यादा को छोड़कर नृत्य कर रही हूँ। सज्जनों की संगत में रहते रहते हमारे हृदय की सारी कलुषताएं दूर हो गई हैं और हमारे दृष्टि में यही सच्ची भक्ति है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल प्याल सो बाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लाल सो भगत रसीली जाची। हरि मतलब ईश्वर, यहाँ पर मीराबाई जी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। निश मतलब रात्रि दिन और रात, इसमें द्वंद्व समास है। काल व्याल सो बाची, काल मतलब समय, व्याल मतलब सर। मीराबाई जी कहती हैं श्री कृष्ण के गुणों की दिन रात प्रशंसा करते करते मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। उनके बिना यह संसार मुझे बेकार लगता है, सूना लगता है। श्री कृष्ण की बातों के आगे हमें सारी बातें झूठी प्रतीत होती हैं। मीराबाई जी कहती हैं मेरे तो प्रभु चतुर श्री कृष्ण हैं, मैं उनसे भक्त से युक्त रस से युक्त भक्त की याचना करती हूँ। मेरी दृष्टि में यही भक्ति उचित है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप पहले संदर्भ लिखोगे, फिर प्रसंग लिखोगे, फिर व्याख्या लिखोगे, उसके बाद काव्यगत विशेषताएं लिखोगे। काव्यगत विशेषता में पहला पॉइंट है मीराबाई जी ने अपने आप को श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। दूसरा पॉइंट में मीराबाई जी को श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह संसार बेकार और सूना लगता है। उनकी बातों के आगे उन्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगती है। रस भक्ति रस है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है, छंद गेय पद है, माधुर्य गुण है।
बच्चों अब हम आपको आखिरी पत्र मीराबाई का पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें जैसे मीराबाई ने पीछे कहा कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब गई हूँ, इसी से आपका प्रसंग निकलता है। मीराबाई जी कहती हैं, मैं एकमात्र श्री कृष्ण को ही जानती हूँ और इस संसार में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करे कोई। बच्चों इसका प्रसंग आपके पिछले ही पद्य से निकला है। इसका प्रसंग है, संदर्भ लिखने के बाद आप प्रसंग लिखोगे। इसका प्रसंग है कि मीराबाई एकमात्र श्री कृष्ण से ही को ही अपना पति मानती है, कहती है उन्हीं को मैं जानती हूँ और किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है इस संसार में। गिरधर मतलब, गिर मतलब पर्वत। श्री कृष्ण ने जैसा कि आपको पता है कि गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। मीराबाई कहती है मैं तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही जानती हूँ जिन्होंने इंद्र भगवान से अत्याचार से बचाने के लिए, ग्वालों की रक्षा के लिए काली उंगली में गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जो गायों की रक्षा करने वाले हैं, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही मेरे पति हैं। तात मतलब पिता, मात मतलब माता, भ्रात मतलब भाई, बंधु मतलब सगा संबंधी। इसके सिवाय ना मेरे कोई पिता है, ना माता है, ना कोई भाई है, ना कोई सगा संबंधी है। मैंने श्री कृष्ण के लिए अपने कुल, कान मतलब मर्यादा, मैंने श्री कृष्ण के लिए अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, तिलांजलि दे दी है। इस संसार में चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज खोई, अस्वन जल सींच सींच प्रेम बेल होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। संतन मतलब सज्जन, लोक लाज मतलब संसार की लज्जा, प्रेम मतलब ईश्वर के प्रेम रूपी बेल। मीराबाई जी कहती हैं सज्जनों के साथ बैठकर उनकी संगत का लाभ उठाना ही मेरा उद्देश्य बन गया है। चाहे संसार में मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने ईश्वर की जो प्रेम रूपी बोल बेल बोई हुए है और अपने आंसुओं के जल से सींचा है, वो ईश्वर रूपी प्रेम की बेल फैल गई है और उसमें सब तरफ आनंद के फल लग गए हैं। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई जी कहती है जगत मतलब संसार, राजी मतलब प्रसन्नता। मीराबाई जी कहती है जो मैंने ईश्वर की ये प्रेम रूपी बेल बोई थी और आंसुओं के जल से जो मैंने सींचा था, उसमें आनंद के फल लग गए हैं और वो बेल अब चारों तरफ फैल गई है। उस प्रकार की भक्ति को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है और इस झूठे संसार को देखकर मुझे रोना आता है। मीराबाई जी कहती हैं मेरे तो प्रभु चतुर श्री कृष्ण हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, अब वही मेरा उद्धार कर सकते हैं, अर्थात मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में अब नहीं पड़ना पड़ेगा। बच्चों इसके बाद आप कागज विशेषता लिखते हो, जैसा कि मैं आपको पीछे से बताती आ रही हूँ। इसमें आप पहले पॉइंट में लिखोगे कि मीराबाई जी ने अनन्य समर्पण और भक्त की भावना को प्रदर्शित किया है। दूसरा पॉइंट में लिखोगे जाके सिर मोर पंख, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही मेरे पति हैं, मीराबाई जी का ऐसा मानना है। धन्यवाद।
भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, अनुप्रास रूपक अलंकार है, छंद गेय पद है,